लास्ट वीडियो जो मैंने छोड़ी थी, मैं दोबारा से उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ इस पार्ट में। ये जो रोज़ा है, ये जोगीपुरे का जो एरिया है उसमें सबसे बॉर्डर पे, जो ज़ायरीन जब जोगीपुरे में इंटर करते हैं तो सबसे पहले उनको इसी रोज़े की ज़्यारत होती है। ये रोज़ा मुझे एक्चुअली पता नहीं किसके नाम पे है, क्योंकि अभी तक मैंने ज़्यारत की नहीं है, और मैं शाम से ही ज़्यारत करूँगा। तो अभी मॉर्निंग का वक्त है, रोज़ा खुला भी नहीं है, 7 बजे नहीं है, तो इस वजह से मुझे ज़्यारत अभी नसीब नहीं हुई। तो इंशाल्लाह मैं दिन में जोहर के बाद ज़्यारत करूँगा। ये जुलजना है सामने, और ये राजू दादा की मज़ार सामने दिख रही है। और ये जो साइड में एक रोज़े में आपने अगर साइड में कब्र टाइप की आपने देखी होगी, तो वहाँ पे बताया गया था कि वहाँ पे जो 21 रमज़ान का ताबूत उठता है यहाँ जोगीपुरे में, वो वहीं दफन होता है उसी रोज़े में। ये रोज़े का मेन गेट है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं। मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ रोज़े की ज़्यारत की, उसमें मैंने अभी तक किसी भी तरीके का कोई पॉज नहीं लिया है, वीडियो कंटिन्यू ही है। ये जो कब्रें आप देख रहे हैं, यहाँ के लोगों की मकामी कब्रें हैं, जहाँ तक उम्मीद तो यही है कि मकामी कब्रें होंगी। ये है गुस्ल खाना। अब ये जो लिखा हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आया भाई। कुछ लोग कहते हैं कि चश्मा जो है वहाँ से आया, तो यहाँ पे इसका होना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़। मेरे ख्याल तो गुस्ल खाने का ही पाइप टाइप का है, यहाँ से भी आप चाहे तो वजू कर सकते हैं। दूर पे जो आप घर देख रहे हैं, वो एक्चुअली शायद कमेटी के नहीं हैं, वो प्राइवेट लोगों के हैं जो बाहर शहर में रहते हैं। उनके पास पैसा है तो उन्होंने ज़मीन ख़रीद के वहाँ पे घर बना दिया है, तो जब उनको ज़रूरत पड़ती है या उनकी फैमिली को या उनके किसी आस पड़ोस को, तो वो उनसे चाबी ले कर यहाँ आ जाते हैं ज़्यारत के लिए। जितने दिन रहना होता है रहते हैं। मैं अब वापस मौला अली अलैहि सलाम के रोज़े से होते हुए अब दूसरे रोज़े जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कल यहाँ पे शाम को 5:30 बजे आया था। अभी सुबह का वक्त है और मैं आया यहाँ 12 साल बाद, तो इसलिए मुझे इतनी इस वक्त इत्तला नहीं है कि कौन सा रोज़ा किसके नाम से मंसूब है। लेकिन पीछे वाला जो रोज़ा था वो मेरे ख्याल से हज़रत अली अलैहि सलाम के नाम से मंसूब होगा, क्योंकि वहाँ पर 21 रमज़ान का ताबूत दफन होता है। ये जो आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, ये है कमेटी रूम। और ये जो फैमिली है, ये शायद अभी आई है। नहीं, ये फैमिली मैंने देखा था कि रात में 1:30 बजे आए थे नदी बाबा से। ये भी लखनऊ की फैमिली है। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। मैं वहाँ पे पहुँचूँ तो आपको बताऊँ। अभी देखिए सुबह का वक्त है, अभी 6:57 हो रहा है, तो इस वक्त अभी यहाँ पे, हालांकि वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि भीड़ नहीं है और 2 ही 3 लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे मजलिसें होती हैं मखसूसी, मेरे राइट साइड में देखिए, तो वहाँ पर इस वक्त नहीं निकल के 300 का मजमा होगा। तो मैंने थोड़ी सी आवाज़ उसकी अपने कैमरे की डाउन कर दी है, क्योंकि आवाज़ बहुत आ रही थी उधर से, तो ऐसा ना हो कि मेरी आवाज़ धीमी पड़ जाए। और बाकी जो अपने रूम में होंगे, मॉर्निंग का टाइम है तो सब ज़्यादातर ज़ायरीन अपने रूम में ही होंगे। ये जो सामने जहाँ पे कार खड़ी है, ये दस्तरखाने अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। यहाँ का ये एक यहाँ पे दस्तरखान होता है, एक इसके पीछे जहाँ पे मखसूसी मजलिस होती है उसके पास में। जो सामने आपको रोज़ा दिख रहा है, वो रोज़ा शायद हज़रत बाज़ अलैहिस्सलाम का है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। ये जो है, यहाँ टोकन मिलता है अगर आप जिस दिन पहुँचेंगे, तो जिस दिन आप पहुँचेंगे उसके नेक्स्ट डे, जिस दिन आप पहुँचे, मान ली शाम को आप 5 बजे पहुँचे, तो आप अपना खाना खुद खाएं, होटल पे जाएं, चाहे जैसे खाएं, वो आपके अपने एक्सपेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में 10 बजे आपको टोकन मिलेगा, वो टोकन आप लेके जो है
नज़र का टोकन रहेगा, वो टोकन लेके आप जाइए, आपको खाना मिल जाएगा। उसके बाद शाम को एक टोकन मिलेगा, फिर अगले दिन मॉर्निंग के लिए नाश्ते का आपको टोकन मिलेगा। तो दो खाने के टोकन मिलते हैं, एक नाश्ते का टोकन मिलता है। तो ये ज़ायरीन के लिए सवाब का एक काम है जो लोगों ने काफ़ी वक्त से कायम रखा है। ये जो रोज़ा मैं आपकी आपको जिसकी ज़ियारत करा रहा हूँ, ये तीसरा रोज़ा है। और ये रोज़ा जो है जोगीपुरे में सबसे कॉर्नर पर रोज़ा है, ये उसकी बाउंड्री है। ये शायद एक बाहर का एरिया है, मेरे ख्याल से जोगीपुरा की शायद ये प्रॉपर्टी नहीं है कमेटी की, और इसके पीछे खेत हैं, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये भी रोज़ा माशाल्लाह से जो है बहुत ख़ूबसूरत रोज़ा है। इसका नाइट का जो लुक आता है बहुत प्यारा आता है। अगर कुछ कोशिश हुई तो मैं कुछ इसके जो है फ़ोटोज़ भी ऐड कर दूँगा। लाइट की यहाँ हमेशा दिक्कत रहती है, हालांकि रोज़ों में लाइट 24 घंटे आती है, इतना इंतज़ाम कमेटी ने कर रखा है, लेकिन बहुत दिक्कत रहती है लाइट की। कभी भी लाइट चली जाए तो आपको परेशानी हो जाएगी, मच्छर भी बहुत हैं यहाँ पे। दूर पे जो आप देख रहे हैं वो सब लॉज है। एक इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि एक रूम तो कमेटी की जानिब से मिलता है, उसमें ये होता है कि कमेटी आपसे कोई एक फिक्स चार्ज नहीं लेती है। जब आप ज़ियारत कर चुके हों और अपने वतन की तरफ जा रहे हों, तो आपको जो मुनासिब लगे आप उतना चंदा कमेटी को दे सकते हैं हदिया के तौर पे। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक दो लॉज ऐसे हैं, मैंने सुना है नकवी हाउस करके है, तो वहाँ पे जैसा कि मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ पे ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो वहाँ वो प्राइवेट है, तो वहाँ आपसे 250 रुपये लेंगे 24 घंटे का। लेकिन अगर देखा जाए तो 250 रुपये में भी आपको सब कुछ मिल रहा है, और प्लस परमानेंट लाइट, सबसे बड़ी बात ये। तो अगर वो आपको प्राइवेट है और 250 रुपये में मिल रहा है तो बहुत सही है। ये देखिए, ये इसका गेट है, तो इधर भी बहुत सारे मैंने देखे थे ज़ायरीन। चूँकि आज जुमेरात है और रोज़ा ऑलमोस्ट खुलने ही वाला है, क्योंकि अभी ऐलान भी हुआ था कि रोज़ा खुलने वाला है, जिसको ज़ियारत करने वाला है। दूर पर जो आपको टॉम दिख रहा है गोल्डन कलर का, वो शहज़ादी जनाब फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, जो कि मौला अली अलैहि सलाम का रोज़ा है, उसी की बाउंड्री के पास में। अभी मैं आपको वो रोज़ा करीब से जाकर दिखाता हूँ। अगर ये खुल गया होता तो मैं कोशिश यही करता कि अंदर से जाकर दिखाता, जिसकी भी वीडियो मैं बनाई है मैंने शायद। और अभी ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये पूरी मार्केट का एरिया है, और यहाँ पे मार्केट लगती है मेरे राइट हैंड साइड पे, जिधर मैं अभी जाऊँगा। और ये दुकानें सुबह 8 बजे से खुल जाती हैं, वैसे तो 8:30-9 बजे से खुलती हैं, लेकिन रात के 11 बजे तक के खुले रहती हैं। और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है आपको, नज़र का सामान पूरा मिल जाएगा, और आपके जो बच्चों के लॉकेट आते हैं वो सब मिल जाएंगे, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सामने जो रोज़ा अब आपको दिख रहा है वो शहज़ादी जामे फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, और जो दोनों रोज़े के बीच में एक आपको ऑरेंज कलर का फ्लैग दिख रहा होगा, छोटा सा रोज़ा टाइप का दिख रहा होगा, वो जनाब सकीना सलवातुल्लाह अलैहा का रोज़ा है वो। तो अभी एंट्री अगर होती तो मैं आपको फ़ौरन जाकर दिखाता। ये बहुत प्यारा लगता है, ख़ासकर जब आप दूर से इसकी वीडियोस बनाए या फ़ोटोज़ लें। ये पूरा एरिया है, और कल इंशाल्लाह जो है, क्योंकि मैं कल 5 बजे आया था, तो आज पूरे दिन यहाँ की ज़ियारत होगी, और कल मैं बगरा जाऊँगा। जैसे मैंने जोगीपुरे की आपको हिस्ट्री बताई, जितना मुझे पता था या जो मैंने पढ़ा था, वैसे ही बगरा की भी एक अपनी इतिहास है, उसकी भी हिस्ट्री है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बगरा यहाँ से 114 किलोमीटर है जीपीएस मैप जो बताता है, और यहाँ से बसें भी आती हैं। कल भी ऐलान हो रहा था कि जिसको बगरा जाना है तो इन हिसाब से कांटेक्ट कर लिए, तो वो एक ही दिन में ज़ियारत करा देते हैं। तो कल इंशाल्लाह मैं सुबह 8 बजे बगरा जाऊँगा, और वहाँ पहुँच के रास्ते भर की वीडियोज़ मैं आपको अपलोड कर दूँगा,
और वहाँ ज़्यारत की जो भी वीडियोस होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन जितनी भी मुझे हासिल हो सकती होगी मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब इंशाल्लाह मेरा ज़्यारत करने का टाइम आ गया है, तो खुदा हाफिज़।